शैउन आखरु अहम। उनका तर्जुमा क्या करेंगे? करेंगे तर्जुमा? कुछ नहीं, यहाँ ना वहाँ, बस एक और अहम चीज़ है। हुना का तर्जुमा नहीं होगा, जैसे कहते हैं दियर इज ए पेन इन माई पॉकेट, तो इसका दियर का तर्जुमा नहीं होगा। दियर आर मैनी बॉयज इन दिस मस्जिद, तो क्या नहीं होगा, दियर का तर्जुमा नहीं होगा। हुना का आदत कसीर मिन अत्तुल्लाब फी हाज़ल मस्जिद, तो हुना का वैसे ही वो कर लेते हैं अरब लोग, दियर के तरीके से हुनाका का इस्तेमाल कर लेते हैं। हुना या हुनाका या सम्मा, सम्मा भी आ जाता है, सम्मा के मायने भी वहाँ, तो ऐसी जगह पर इसका तर्जुमा नहीं होता। बस ऐसे ही जुमले में रब पैदा करने के लिए लाते हैं। हुनाका मुशाकिल कसीरा, हुनाका मशाकिल कसीरतुन, यानी बहुत सारी मुश्किलात हैं वहाँ, कुछ नहीं। हुना शैउन आखरु अहम, एक और अहम और ज़रूरी बात है। वहुवा अन नुकीमा अला क़ातिनत तिजारियत व सिनाईयत बिदुवल शर्क़ बदलन अन दुवल गर्ब, वो ये है अहम चीज़ कि हम अपने तिजारती ताल्लुकात और सिनाती ताल्लुकात मशरिकी ममालिक से कायम करें, मशरिकी कंट्रीज से अपने तिजारती और सनाती ताल्लुकात उस्तुवार करें। अकाम यकीमन, उस्तुवार करना, सीधा करना, कायम करना। बदलन, बजाय मगरिबी कंट्री के, मगरिबी ममालिक के बजाय मशरिकी ममालिक से हम अपने ताल्लुकात उस्तुवार और मजबूत करें। وَنَتَبَادَلَ بِهَا الْمَصْنُوعَاتِ وَالْبَضَائِعَ، اور ہم مشرقی ممالک کے ساتھ تبادلہ کریں۔ بِهَا کی ضمیر دول الشرق کی طرف لوٹے گی، ادھر دول الشرق، اس کو موصوف صفت میں بناؤ دول الشرق کو، الدول الشرقیۃ، الدول الشرقیۃ، شرقی نہیں، الدول الشرق۔ دول الغرب کو بناؤ الدول الغربیت، جی نتبادل بها المصنوعات والبضائع۔ المصنوعات پر کیوں آ رہا ہے کسرہ؟ جمع ہے، جمع سالم، جمع سالم، المصنوعات، اپنی مصنوعات اور اپنا پروڈکٹ ان کے ساتھ ہم کیا کریں، تبادلہ کریں، یعنی اپنا ان کو دیں، ان ایکسپورٹ امپورٹ کریں، مطلب نتبادل ایک دوسرے سے بدلیں۔ تبادلہ خیال کے لیے بھی آ جاتا ہے یہ لفظ، ونتبادل الآراء، جی نجلس ایھا الاصدقاء نجلس لکی نتبادل الآراء، آئیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، تو رائے کا تبادلہ۔ نتبادل الآراء، نتبادل العلاقات، تعلقات کا تبادلہ کرتے ہیں، یعنی آپ ہم سے تعلقات رکھیں، ہم آپ سے تعلقات رکھیں۔ نتبادل الہدایا، آپ ہمیں گفٹ کریں، ہم آپ کو کیا کریں، گفٹ کریں۔ سمجھ گیا؟ اس کے برعکس اگر یوں کہیں گے نتبادل العداوتا، تو معنی ہو جائیں گے تبادلہ دشمنی کریں، دشمنی کا تبادلہ کریں، جس کے ساتھ لگا دیں گے وہی معنی بن جائیں گے۔ سمجھ گئے نا؟ جی۔ وَنَتَبَادَلَ بِهَا الْمَصْنُوعَاتِ وَالْبَضَائِعَ، اور ہم مشرقی ممالک کے ساتھ تبادلہ کریں مصنوعات میں اور
सामान में, فالشرق بالطبع صديق لنا, क्योंकि मशरिक ज़ाहिर बात है, फितरी बात है कि वो हमारा दोस्त है। कौन? मशरिक। और ये बीच का जुमला है, वकुल्लुन यारिफ ज़ालिका, हर शख्स जानता है ये बात, ये मोतरेज़ा जुमला है ना। और फशरक़ की ख़बर है सदीकुन, मशरिक हमारा क्या है? दोस्त है। वो साहिबुना, और हमारा साथी है। ज़िद्दल इस्तेमार, साम्राज्य के ख़िलाफ़, यानी यूरोप के ख़िलाफ़। साम्राज्य कौन मुल्क है? यूरोपी ममालिक, साम्राज्य। साम्राज्य मतलब वो जुल्म करने वाले, गुलाम बनाने वाले। तो उनके ख़िलाफ़ मशरिक चूँकि उनके जुल्म का शिकार है, तो हम लोग भी इसमें उनके साथ हैं, तो हमारा दोस्त हुआ, हलीफ हुआ। बितबए कहते हैं, ये फितरी बात है। बितबए कहते हैं, तबान कहते हैं, कोई भी बात ज़ाहिर बात है ऐसा होगा। तबान इन नज़ाली का युअसर, ज़ाहिर बात है ये क्या डालेगी? असर डालेगी। बितबए मन यजतहिद यंजा, ज़ाहिर बात है कि जो क्या करेगा, मेहनत करेगा, वो कामयाब होगा। तबान अलकसलान यफशल, ज़ाहिर बात है कि सुस्त आदमी ये नाकाम होगा। तो तबान कहते हैं, बितबए कहते हैं, और क्या कहते हैं? तबीईयुन, तबीईयुन अन यकून कज़ालिक, ये बात क्या है? तबई है, कैसा होगा। जैसे उर्दू में ज़ाहिर कहता है ना, ज़ाहिर बात है, तो ऐसे नहीं कहें ज़ाहिर। अरबी में वो तबान कहते हैं ज़्यादा, तबान बितबए अदा अमरुन तबीईयुन। तो मशरिक दोस्त है हमारा, वसाहिब होना, और हमारा हलीफ है ज़िद्दल इस्तेमार, साम्राज्य के ख़िलाफ़। कुल्लुन यारिफ़ु ज़ालिका, सब लोग ये जानते हैं, और ये बात फितरी है। वहुवा अयज़न युरीदु अन यतख़ल्लस मिन बरानिसी, अभी बरासीनी ही, अभी मैंने कहा था ना कि साम्राज्य ज़ालिम कौन है? यूरोप। और मशरिकी ममालिक उसके जुल्म का क्या है? शिकार है। वो अपने पंजे गाड़ रहा है सब ममालिक में। कौन? यूरोप। तो सब उसके पंजों से क्या करना चाहते हैं? छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। कौन लोग? मशरिकी ममालिक। वहुवा अयज़न यानी अश्शर्क़ अयज़न, ये जो मशरिक है ये युरीदु अन यतख़ल्लसा, खलासी, गुलू खलासी चाहते हैं, नजात चाहते हैं। मिन बरासीनी ही, उसके पंजों से, किसके पंजों से? साम्राज्य मगरिब के पंजों से छुटकारा हासिल। तख़ल्लसा के मायने छुटकारा हासिल करा। तख़ल्लसा मिन अज़्ज़ुल्म, ज़ुल्म से क्या हो गया? बच गया। तख़ल्लसा मिन अल-हलाक, हलाकत से बच गया। जिस तख़ल्लसा मिन अल-मरज़ भी कह सकते हैं, मरज़ से क्या हो गया? बच गया। बरासीन कहते हैं पंजों को, बुरसुन की जमा बरासीन, बुरसुन की जमा बरासीन। नशिबत अनशबा बरासीना हो, उसने अपने पंजे क्या कर दिए? गाड़ दिए। अनशबा, अनशबा अलगौरबु बरासीना हो अलशर्क, मगरिब ने मशरिक पर अपने पंजे गाड़ दिए। وَيَتَحَرَّرَ مِنْ عُبُودِيَّتِهِ, और मशरिक के तमाम ममालिक चाहते हैं उसकी ग़ुलामी से आज़ाद हो जाए। इसकी ग़ुलामी से? मगरिब की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाए। तहर्रारा भी तख़ल्लसा के मायने में आ गया ना, और आज़ाद करने के लिए यही लफ्ज़ दोनों बना दो, हर्रारा और ख़ल्लसा। يجب علينا أن نخلص الإنسانية من المشاكل والأزمات والكوارث المحيطة بها, क्या तर्जुमा हुआ? يجب علينا أن نخلص الإنسانية من المشاكل, इंसानियत को मुश्किलात से क्या करें? छुटकारा दिलाएं। इसी को यूँ कहते, يجب علينا أن نحرر الإنسانية من ظلم الظالمين ومن عبودية الناس, लोगों को, इंसानों को हम लोगों की ग़ुलामी से क्या करें? आज़ाद करें।
और हर मुल्क चाहता है मिन उबूदियती कि उसकी ग़ुलामी से आज़ाद हो जाए। व युईदा मजदहू, आदा युईद माने लौटाना। हर मुल्क मशरिकी वो अपनी शान शौकत वापस हासिल करना चाहता है, वापस लेना चाहता है। युईद माने लौटाना चाहता है। यस्तईदा भी कह सकते हैं, यस्तईदा वापस क्या करना, हासिल करना। युईद भी यहाँ उसी मायने में वापस लेना चाहता है, वापसी चाहता है अपने मजद की। मजद माने शान, पहले जो शान थी अब मगरिब ने उस शान को ख़त्म कर दिया, अब फिर वो हासिल करना चाहता है। ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد على الأمة الإسلامية مجدها। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की शान क्या कर दें, वापस अता फरमा दें। أن يعيد للمسلمين المجد والكرامة والعزة والوقار والسيادة والقيادة, है ना, सारी ये चीज़ें क्या कर दें, अल्लाह अता फरमा दें। हर शख्स, हर मुल्क मशरिकी वो अपना वक़ार वापस लेना चाहता है। युईद मजद हो या फ़ा किया न हो, कियान का तर्जुमा क्या करेंगे, वजूद, अपने वजूद की क्या चाहता है, वो तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, वो अपने वजूद को महफूज रखना चाहता है। तो वजूद के मायने कैसे आ गए कियान के, क्या कियान क्या चीज़ है अरबी के लिहाज से, बोलो ना, ये काना यकूनु, काना यकूनु कौनन व काना माने होना, तो होना भी तो वजूद ही है, हुआ तो मौजूद हो गया ना, तो उसी से मजदर वजूद के मायने में आ गया, समझ गया ना। काना माने मौजूद होना, तो कियान के मायने क्या हो गए, वजूद क्या हो गए। वयहफ़ज़ा किया न हो, और मशरिक चाहता है अपने वजूद का तहफ़्फ़ुज़। वकज़ालिका नस्ततीउ अन नहफ़ज़ा अनफ़ुसना मिन दसाइसिल मुस्तअमिरीन व मुआमरतिहिम इला हद्दिन कबीर। इस तरीक़े से कि अपने मशरिकी ममालिक से ताल्लुकात उस्तवार करेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे, तो इस तरीक़े से हम अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे, अपने आप को महफूज रखेंगे साम्राज्य के दसाइस यानी मक्कारियों से, व मुआमरातीम और उनकी साजिशों से। दसीसतुन की जमा दसाइस, दसीसाकारी उर्दू में भी बोलते हैं क्या, दसीसाकारियाँ मतलब मक्कारियाँ, साजिशें, और मुआमरात मैंने प्लानिंगें, उनकी मक्कारियों से उनकी साजिशों से हम अपने आप को क्या कर सकेंगे, बचा सकेंगे। दसीसतुन की जमा दसाइस, दसीसाकारियाँ उर्दू में भी कहते हैं, साजिशें, मुआमरात मैंने भी साजिशें। दसाइसुल अअदा व मकायदिहिम, ये भी आता है ना, मकायद मैंने भी चालबाजियाँ, दसीसाकारियाँ चालबाजियाँ, तो कह देंगे दसाइसिहिम व मकायदिहिम, दोनों एक वज़न पर हो गए, दसाइस व मकायद। व नकसिब अस्दिका जुदुदन, जुदुदन नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे, जुदुदन। जुदद और जुदुद में क्या फ़र्क होगा, नहीं उल्टा कर दिया, जुदुद जदीद की जमा है, जुदुद किसकी जमा है, जदीद की जमा, जदीद की जमा जुदुद और जुदद। जुदद जुद्दतुन की जमा है, कुरान शरीफ में है, नमा यख्शा मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिन अस्समाई माअन फअख्रजना बिही थमरातिन मुख्तलिफन अलवानुहा वमिन अल्जिबाली जुददुन बीदुन हुमरुन मुख्तलिफुन अलवानुहा वगराबी सुद्द ومن الجبال جدد بيض وعمر مختلف
तो जुदत वो जुदत उनकी जमा वो जदीद के मायने में ومن الجبال جدد بيض وحمر वो कुछ इलाके या नाहिये के मायने इस मायने में कि पहाड़ों में कुछ हिस्से ऐसे हैं बीज सफ़ेद हैं वहमर कुछ सुर्ख रंग के हैं पहाड़ों में मुख्तलिफ़ अलवान हुआ रंग अलग अलग के रंग के पहाड़ हैं कहीं काले कहीं सफ़ेद तो वो अल्लाह ताला ने बताया और ये जदीद की जमा क्या है जुदद और जो कुरान शरीफ में है जिबाल जुदद वो दूसरे मायने में और ना आप कहें कुरान में तो जुदद आया है आप जुदद पढ़ रहे हैं तो वो अलग अलग मायने में कुरान मजीद में जो जुदद आया है दूसरे मायने में नए के मायने में नहीं और यहाँ किस मायने में नए के मायने में ये जदीद की जमा है वनकसिबा अस्दिका जुदन जुदन और हम नए दोस्त बना सकेंगे रुबमा यकूनून अक्रबा नसबन जो हो सकता है कि वो नए दोस्त ज़्यादा करीब रिश्ते वाले हों व अकबर नफ़ान और ज़्यादा नफ़े वाले हों मिन आदाइन अल-क़ुदामा पुराने दुश्मनों के मुकाबले में ये दोस्त ठीक हों ज़्यादा नफ़ा पहुँचाएँ पुराने दुश्मनों से मुराद मगरिब और नए दोस्त से मुराद मशरिक़ अभी बता रहे हैं नहीं कि मशरिक़ को दोस्त बनाए हम ونحصل على تأييدهم ऊपर से ताल्लुक है كذلك نستطيع أن نحفظ أنفسنا ونكسب ونحصل इस तरीके से हम उनकी तायीद हासिल कर लेंगे حصل على माने हासिल करना लेकिन किस सिले के साथ आला सिले के साथ यूँ नहीं कहेंगे حصلنا النجاح बल्कि क्या कहेंगे حصلنا على النجاح ऐसे कहेंगे حصلنا العلم नहीं कहेंगे बस कल भी क्या कहेंगे हसलना अलल इल्मी उर्दू में पर नहीं आएगा हसलना अलल इल्मी हमने इल्म पर हासिल कर लिया तो पर क्यों लगा रहे हो कि आला का तर्जुमा हो रहा है ना तो कहा नहीं आप उर्दू को अलग रखिए अरबी को अलग रखिए उर्दू में कहते हैं हमने इल्म हासिल कर लिया अरबी में हसला का सिला क्या आएगा अला आएगा या फिर हसला कहिए हसल इल्मा तब तो कैसे आ जाएगा बगैर से लेके आ जाएगा लेकिन क्या लाना पड़ेगा हसला बाबे तफ़ील में लाना पड़ेगा और अगर मुजर्रद में लाएंगे हसला तो क्या कैसे होगा आला कैसे ونحصل على تأييدهم ومؤازرتهم और इस तरीके से हम उनकी तायीद और उनकी पुश्त पनाही हासिल कर सकेंगे उनकी बेकिंग मुआज़रा माने बेकिंग बेकिंग जानते हो बेक माने पीछे बेकिंग माने पीछे से सहारा देना पीछे से क्या देना सहारा देना उनकी पुश्त पनाही क्या कर सकेंगे हासिल कर सकेंगे उशदुद बिही अजरी आज़रा यु आज़िर मुआज़रतन माने मदद करना आज़रा यु आज़िर मुआज़रतन उसी से वज़ीर भी है क्या भी है वज़ीर क्या करने वाला मदद करने वाला समझ गए वो वाव से ये हमज़ा से है वाज़रा भी कह सकते हैं वाज़रा यु आज़िर मुआज़रतन और आज़रा यु आज़िर मुआज़रतन दोनों के मायने क्या करना मदद करना कौन सा बाब है मुफ़ाला है जी मुआज़रा ये क्या है मस्दर हो गया अला तईदिहिम व मुआज़रतिहिम हम उनका ताउन क्या कर सकेंगे हासिल कर सकेंगे और उनकी ताईद हासिल कर सकेंगे तिमारकति तहरीर जो हम जंग आज़ादी लड़ रहे हैं उसमें अपनी जंग आज़ादी में आज़ादी की जंग सब लोग लड़ रहे थे उस वक्त जब ये बात कर रहे हैं ना 1947 से इन पहले की होगी तो हिंदुस्तान भी सब लोग जज़ायर है रूस से आज़ादी चाह रहा था बहुत सारे ममालिक क्या थे ग़ुलाम थे सब लोग मिल कर के हम उन दोस्ती रचाएँ एक दूसरे तक उन सबसे चुंगल से फिर हो भी गए माशाल्लाह धीरे धीरे सारे ममालिक क्या हो गए आज़ाद हो गए लेकिन अभी फ़िक्री तौर पर ग़ुलाम पहले जिस्मानी ग़ुलाम थे वो ज़मीन पर वो आ गए थे उनकी हुकूमत अब हुकूमत से तो इनखिला कर दिया उन्होंने लेकिन वो जहनी वो छोड़ गए अफकार और अभी भी सप्लाई कर रहे हैं अपने अफकार गज़्व फ़िक्री कर रहे हैं मतलब उनके ही ड्रामे चल रहे हैं उनके ही नज़रियात चल रहे हैं
متاثر ہیں اس سے, تو مارکہ آزادی میں ہم ان کی تائید حاصل کر سکیں. ولا شک کا اننا اذا کسبنا صداقت الشرق وودہ, اور بلا شبہ جب ہم مشرق کی دوستی حاصل کر لیں گے, وودہ اور ان کی محبت حاصل کر لیں گے, ان سے فرینڈ شپ مل جائے گی ہم کو. وقامت بینہ وبین العالم الاسلامی علاقات وطیدہ, اور مشرق کے اور عالم اسلامی کے درمیان مضبوط تعلقات قائم ہو جائیں گے. علاقات وطیدہ معنی مضبوط تعلقات, اور کیا آتا ہے وطیدہ کی جگہ پر؟ وثیقہ. کیا آتا ہے؟ وثیقہ اور متینہ. علاقات وطیدہ قائم ہو جائیں گے. وعواصر قویہ, اور مضبوط تعلقات. عواصر بھی کس معنی میں؟ تعلقات کے معنی میں. عاصرتن کی جمع عواصر. مشرق اور عالم اسلامی کے درمیان مضبوط تعلقات قائم ہو جائیں گے. فَإِنَّهُ يَكُونُ فَتْحًا جَدِيدًا, تو یہ ایک نئی فتح ہوگی. کیا ہوگی؟ نئی فتح, نیو وکٹوری ہوگی. وَنَصْرًا كَبِيرًا, اور بڑی کیا ہوگی؟ نصر مبین ہوگی. یہ بھی فتح کے معنی میں. اس کے معنی میں فتح کے معنی جی بڑی فتح ہوگی. کس کی؟ للشرق الاسلامی, اسلامی مشرق کی بڑی فتح ہوگی. فتحاً مبینہ اور نصراً کبیرہ. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے, کل انشاءاللہ پورا کر لیتا. Ahem.